हाय, दिस इज मिया सिंह। आज हम देखेंगे कि हम डुप्लीकेट के साथ रोटेट टूल को किस तरह से यूज कर सकते हैं। लाइन टूल में अपने पास में ले रहा हूँ, मैं इस क्लॉक शेप को कंप्लीट करना चाहता हूँ। स्मार्ट गाइड की अलाइनमेंट की मदद से मैंने एक लाइन जो है यहाँ पे ड्रॉ की है अलॉन्ग प्रेसिंग द शिफ्ट की। इस वक्त में स्ट्रोक अप्लाई नहीं हुई है, और अगर मुझे स्ट्रोक अप्लाई करनी है तो डी फॉर डिफॉल्ट की प्रेस करेंगे। प्रॉपर्टीज में से आप इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, इसके पॉइंट साइज बढ़ा सकते हैं। अगर ये सेटिंग्स आपके पास नहीं आ रही हैं तो आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे, उसमें आप इसको ईजिली फॉलो कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी बार है, विंडोज मेन्यू में से जाके आप प्रॉपर्टीज को कॉल भी कर सकते हैं। सो वी हैव टू लुक फॉर पी फॉर प्रॉपर्टीज, ये आपके पास में पैनल जो है वो लिस्ट। अब मुझे इस लाइन को रोटेट करना है, तो व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट गेट सेलेक्ट द रोटेट टूल, हम पिन पॉइंट आइडेंटिफाई करेंगे रोटेशन का एंड ड्रैग। अब मैं डुप्लीकेट बनाना चाह रहा हूँ इसका, तो आई हैव टू प्रेस ऑल्ट की। एंगल को लॉक करने के लिए आप शिफ्ट प्रेस करेंगे, इस वक्त में तीन कीज प्रेस हैं, ऑल्ट शिफ्ट एंड माउस क्लिक। आप सबसे पहले माउस क्लिक को छोड़ेंगे और फिर बाकी कीज को रिलीज कर देंगे, एंड देन प्रेस द कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट, और आपका किया हुआ एक्शन जो है वो रिपीट हो। थैंक यू।